स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें, स्किप करके मत जाएं। चलिए बच्चों, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्थानीय मान और वास्तविक मान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या होता है, उसकी चर्चा करेंगे, डिटेल में उसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को छोड़ करके मत जाएं, और सारे इससे पहले वाले वीडियो को भी आप अच्छी तरह से पढ़ें, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपके कोई डाउट अधूरे ना रह जाए और एग्जाम की अच्छी तैयारी हो पाए। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। इसको कहा जाता है अंकित मान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अंकित मान वह मान होता है जिसका कोई मान बदलाव नहीं होता है, मतलब जो दिखता है सेम वही होता है, उसकी वैल्यू वही होती है। किसी भी अंक को ले लो, तो अगर जैसे कि आप हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये आपके और ये है 0, मतलब इतने कुल अंक हैं। और इन्हीं अंकों से आगे की संख्याएं बनती हैं, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम आगे की संख्याओं को बनाते हैं। लेकिन ये जो भी मान है, ये इनका एक निश्चित मान है, न ये मान कभी घटता है और न मान बढ़ता है। एक हमेशा एक ही रहेगा, न इससे कम होगा न ज्यादा होगा, 2 भी उसी तरह होगा, न कम होगा न ज्यादा होगा, 3 भी होगा न कम होगा न ज्यादा होगा, मतलब जो आपको दिखाई पड़ता है एडजेक्टिव वही उसकी वैल्यू होती है। ऐसी को ही हम वास्तविक मान या अंकित मान कहते हैं। तो वह मान जिसके वह अंक जिसका मान बदलता नहीं है वास्तविक मान कहलाता है। मतलब ये हो गया वह अंक जिसका मान कभी नहीं बदलता, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे स्थानीय मान कहते हैं, उसे वास्तविक मान या अंकित मान कहते हैं, अंकित मान कहते हैं। जैसे अब जैसे भी ये आपके एग्जाम्पल हो गए, और ये सारे नंबर्स जो हैं ये आपके अंकित मान हैं, मतलब इसके अंकों के मान में कभी बदलाव नहीं होता है, मतलब 0, 0 ही रहेगा, 1, 1 रहेगा, 2, 2 रहेगा, 3, 3 रहेगा, 4, 4 रहेगा, 5, 5 रहेगा, 6, 6 रहेगा, 7, 8, 9 जो भी है सारे अंक एडजेक्टिव उनका मान उतना ही होता है जो आपको दिखाई पड़ता है। जिस अंकों को हम देखते हैं और अंक में उसके मान में अगर बदलाव नहीं होता है, तो वही मान उसका अंकित मान या वास्तविक मान होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, जिसको हम मार्क फेस वैल्यू कहते हैं, वास्तविक मान, इसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, तो इसी को हम फेस वैल्यू, अंकित मान या वास्तविक मान कहते हैं। और इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो अंक आपको दिखाई पड़ रहा है वही उसका वास्तविक मान या अंकित मान होता है। अब आती है बात स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या होता है, जिसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस का मतलब होता है स्थान, प्लेस वैल्यू तो स्थानीय मान का मतलब होता है जो अंक जिस स्थान पे होता है। आप अच्छी तरह से आप सभी लोगों को पता है कि हम संख्याओं को जब पढ़ते हैं तो दाहिनी तरफ से बाईं तरफ को चलते हैं। मतलब यह है, अगर कोई संख्या लिखी है 1, 3, 5, 7, 9, 8, अब ये चीज है तो हम हमेशा इधर से नहीं पढ़ते, पढ़ते इधर से हैं और लिखते इधर से हैं। जैसे ये हो गया आपका इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, और ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000, और ये हो गया लाख। ठीक, अब ये आप इस अंक को आप समझ गए होंगे, ये हमारा जो अंक है
इस तरह से कोई भी अंक हो सकता है, कितने भी अंक का हो, जितने भी अंक दिखाई पड़ रहे हैं इनको मिला करके एक संख्या बन रही है। और इस संख्या में अगर हमें इसको पढ़ना होता है, लिखना होता है, तो हम पहले इधर से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, ठीक है, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब। यह हमारा इंडियन सिस्टम है, भारतीय प्रणाली जो है, या हिंदू अरबिक प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, उस प्रणाली में हम इकाई दहाई से पढ़ते हैं और शुरू के तीन अंक एक साथ होते हैं, बाकी दो दो अंक एक साथ में पढ़े जाते हैं, ठीक है। लाख के बाद दस लाख आएगा, फिर करोड़ आता है। तो ये जो अंक अगर दिख रहे हैं तो यही इसके स्थानीय मान, सॉरी वास्तविक मान हो गए। जैसे आठ है तो आठ का स्थानीय मान क्या हो गया, सॉरी वास्तविक मान क्या हो गया, आठ हो गया। नौ का वास्तविक मान या अंकित मान नौ हो गया। सात का सात होगा, पांच का पांच होगा, तीन का तीन होगा, एक का एक होगा। ये तो प्यारे बच्चों था हमारा वास्तविक मान। अब स्थानीय मान का मतलब ये देखते हैं कि वो अंक किस स्थान पे है। ध्यान से समझना कि ये जो अंक लिखा हुआ है वो किस स्थान पे है। जिस स्थान पे होता है वही उसका स्थानीय मान होता है, और उसके आगे जितने अंक होते हैं उतने जीरो। जैसे हजार है या सैकड़े पर है या दहाई का है, मान लीजिए ये इकाई है। अगर हमसे कोई कहे कि आठ का स्थानीय मान क्या है, तो आठ इकाई का स्थान है, मतलब इकाई का मतलब एक होता है। अगर आठ को एक से गुणा करेंगे तो आठ एकम आठ ही आएगा, तो इसका स्थानीय मान तो आठ ही होगा और अंकित मान भी आठ ही होगा। अब आते हैं हम यहाँ पर, यह है दहाई, और ये नौ का स्थानीय मान क्या होता है, तो नौ दहाई के स्थान पर है। स्थानीय मतलब जिस स्थान पर है, तो दहाई के स्थान पर है। तो कहने का मतलब नौ, दहाई का मतलब दस होता है, तो नौ को अगर हम दस से गुणा करेंगे तो नब्बे आएगा। तो कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कि नौ का स्थानीय मान नब्बे है, या नौ के बाद एक अंक है तो नौ में एक जीरो जुड़ जाएगा। नौ के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो जुड़ जाता है, या संख्या के बाद दाहिनी तरफ जितना अंक होता है उतना जीरो लिखा जाता है और वो अपने आप स्थानीय मान में बदल जाता है। तो मतलब यहाँ पर दहाई का मतलब दस गुना, तो इसका दस गुना कर दीजिए, अपने आप स्थानीय मान आ जाएगा। आते हम यहाँ पर सात का, तो सात सैकड़े के स्थान पर है। सात का सैकड़े से गुणा करोगे, सौ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सात सौ। पांच हजार के स्थान पर है, तो पांच को हजार से अगर हम गुणा करेंगे तो पांच हजार बन जाएगा। इसी तरह तीन को अगर हजार से गुणा करते हैं, दस के स्थान पर दस हजार से गुणा करेंगे, तो तीन को दस से करेंगे तो तीस हजार हो जाएगा। तीस हजार इसका स्थानीय मान हो गया। ये लाख पर है एक, तो एक का स्थानीय मान एक, सॉरी एक का स्थानीय मान एक लाख हो गया। इसके आगे की जो संख्या होगी वो दस लाख पे आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू वही होती है, अंकित मान वही मान होता है, स्थानीय मान वही मान, सॉरी वास्तविक मान वही मान होता है जो आपको दिखाई पड़ता है। मतलब आठ का वास्तविक मान आठ है, नौ का नौ है, सात का सात है, पांच का पांच है, तीन का तीन है, एक का एक है। लेकिन अगर स्थानीय मान की बात करते हैं तो ये कौन से स्थान पर, इसका स्थानीय मान आठ है तो इसका नब्बे हो जाएगा। नौ गुणे दस सात का मतलब इसे सात से सैकड़े से गुणा कर देते हैं, और इसको हजार से और इसको लाख से। अब इसको एग्जाम्पल से हम बताते हैं। मान लो कोई संख्या आपके पास है और उसको हमें लिखना है, तो उसका स्थानीय मान क्या होगा। देखिए मान लेते हैं दो तीन जीरो पांच सात नौ आठ, ठीक है, कितना बड़ा बना लीजिए, लेकिन ये हो गया। और ये है आपका वास्तविक मान, हम यहाँ पर वास्तविक मान को दिखा रहे हैं, सॉरी स्थानीय मान को, यहाँ प्लेस वैल्यू को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम वास्तविक मान को लेते हैं, वास्तविक मान, वास्तविक मान में संख्या लेते हैं, संख्या जो भी ली जाएगी, मान लो यहाँ पर हमने लिया कोई भी संख्या ले लेते हैं, तीन सात पाँच नौ जीरो आठ सात छः, ये दो संख्या हैं। एक संख्या यह है, एक संख्या है, और इन संख्याओं को हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, और हमें इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, इसका वास्तविक मान निकालना है, ठीक है। तो वास्तविक मान निकालने के लिए एक एक इकाई से चलेंगे। देखिए ये तीन है, तीन का स्थानीय मान तीन ही होगा, इसका भी स्थानीय मान सात ही होगा, ठीक है, इसका स्थानीय मान पांच होगा। मतलब जो अंक आपको दिखाई पड़ रहा है वही उसका स्थानीय मान आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका जीरो हो गया, ये आपका आठ हो गया, ये आपका सात हो गया,
और ये आपका 6 हो गया। ठीक है, आप वास्तविक मान में कोई बदलाव नहीं आता है, जो दिखाया ही पड़ेगा आपको, जो अंक जिस अंक की बात पूछी जाएगी, जिस अंक का मान पूछा जाएगा, वो मान वास्तविक मान होगा और वही उसका मान वास्तविक मान होगा और वही अंक भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, जिसको हम स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान, तो इसमें देखिए, इसको ये हो गया 8, ये इकाई के स्थान पर है, जैसे यहाँ पर हमने बताया इकाई का मतलब 1 हो गया, यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो ये 8 ही आएगा, इसको करेंगे तो ये 9 है, लेकिन ये इकाई के बाद दहाई अंक है, जैसे हमने बताया था ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,00,000, 10,00,000, 10,00,000, 10,00,000 करोड़, तो ये दहाई का मतलब 10 हो गया, इसे 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 90। ये स्थानीय मान आप देखते चले, यहाँ पे आप देखेंगे ये सैकड़े पर है, तो सैकड़े का मतलब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 700। ठीक है, इस अंक पे चले तो ये है आपका 1000 पे, और ये है 5, अब इसको 1000 से हम गुणा करेंगे तो ये 5000 हो गया। अब इसका आगे ये देखे 10,000 पे है, तो ये 0×10,000 हो जाएगा और ये बराबर 0 ही आएगा, इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये आपकी संख्या है 3, और ये सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000 पे आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, लाख का मतलब इसे लाख से गुणा करेंगे। अब लाख को 60 फॉर्म में लिखने के 10 की पावर में कर दो, ये हो गया, या इस तरह कर दो। ठीक है, तो 3×10^5 मतलब 5 0 आता है, चाहे ये लिखो या ये लिखो, एक ही आएगा, ये ध्यान रखना, अथवा है, अथवा 10^5 में से कोई एक से गुणा किया जाए तो ये बराबर आ जाएगा 3,00,000। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये 2 है, अब 2 को ये 10,00,000 से है, तो 10,00,000 का मतलब 10^6 कर दिया, हमने डिटेल नहीं लिखा, और ये 6 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया करोड़, करोड़ में 7 0 आता है, तो 10^7 हो गया, और ये बराबर हो गया। ठीक, अब एक चीज को बहुत ध्यान से देखना बच्चों, स्थानीय मान तो आप समझ गए होंगे, स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्थानीय मान निकालने के लिए आता है, वास्तविक मान निकालने के लिए आता है, स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर निकालने के लिए आता है, जोड़ निकालने के लिए आता है, कुछ भी आ सकता है, गुणा भी आ सकता है, लेकिन स्थानीय मान अगर आपको निकालना आ गया, वास्तविक मान तो वही है जिसको पूछा जाएगा, वही उसका स्थानीय मान हो गया, सॉरी वास्तविक मान हो गया, लेकिन स्थानीय मान में उस स्थान से जिस स्थान पर वो अंक है उतने से उसको गुणा करने पे जो आएगा वो स्थानीय मान होगा। या सिंपल सी बात है, अगर हमें मान लो 2 का निकालना है, तो हमने बताया 2 है 10,00,000 पर, तो 2×10^6 और ये 2×6 0 मतलब 10,00,000 आ गया, 10×2 कितना हो गया, 20,00,000 हो गया, ये देखें 5 0 है, 20,00,000 हो गया, यह है 1 करोड़ आ गया, यह है 3,00,000 आ गया। ठीक है, और एक चीज देखिए, ये तो था स्थान की बात करते हैं, अगर आपको स्थान नहीं दूसरे तरीके से देखना, तो देखिए इसका निकालना है तो इसके बाद कितने अंक है, 1 अंक है, 1 0 लग गया, 5 का निकालना है, 7 का निकालना, 7 के बाद 2 अंक है, यहाँ 2 0 आ गया, 5 का निकालना है तो 5 के बाद 3 0 है, 3 0 आ गया, 0 का मतलब है 4 0, इसके बाद 4 अंक है तो 4 0 आ जाएगा, और 3 है तो 3 के बाद 5 0 है, ये देखिए 5 0 आ गया, 2 के बाद यहाँ 6 अंक है, तो 2 के बाद 6 अंक आ गया, 6 0 आ जाएगा। ठीक है, और 1 पे है तो 1 के बाद 7 अंक आ रहा है, 2×2 4×2 6 7, 7 0 आ गया। तो आप स्थानीय मान और वास्तविक मान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अब इसके बाद बच्चों हम आगे की कुछ चीजों को समझते हैं। तो वास्तविक मान में आपने क्या देखा समझा, कि वास्तविक मान या अंकित मान वह मान होता है जो आपको दिखाई पड़ता है, एडजेक्टिव वही उसका अंकित मान होता है, मतलब अंकित मान या वास्तविक मान उस अंक का वास्तविक मान वही मान होता है जिस अंक का मान पूछा जाता है, लेकिन स्थानीय मान तो वो अंक जिस स्थान पे होता है उस स्थान से उसको गुणा कर दिया जाए, मतलब सैकड़े पे है तो 100 से गुणा कर दो, 1000 पे है तो 1000 से गुणा कर दो, 10,000 पे तो 10 से कर दो, 1,00,000 पे है तो 1,00,000 से गुणा कर दो, या उस अंक के दाहिनी तरफ जितने अंक बचते हैं उतने 0 लगा दो, ऑटोमेटिक उसका मान आ जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो बच्चे नए जुड़े हैं या जो पुराने भी हैं, जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा, वो सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग उस पुराने वीडियो को जरूर देखें, इससे पहले का वीडियो देखें, वीडियो को स्किप करके मत देखें, शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि हम वीडियो अच्छा लगे तो आप उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा।